बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अंस रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक हर चीज का एक दिल है। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है और जो एक मरतबा पढ़े इसके लिए 10 मरतबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। इसी तरह हजरत सैयदना हसान बिन अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरात में सूरह यासीन का नाम मुहिम्मा है क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वाले को दुनिया और आखरत की हर भलाई अता करती है और दुनिया और आखरत की बलाएं दूर करती है और दुनिया और आखरत की होलनाकियों से निजात बख्शती है और इसका नाम मुदाफत अलकाजिया भी है क्योंकि ये अपनी तिलावत करने वाले से हर बुराई को दूर कर देती है और इसकी हर हाजत को पूरा कर देती है। इसी तरह हजरत सैयदना अंस रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हमेशा रात को सूरह यासीन की तिलावत करे यहाँ तक करता रहा और फिर मर गया वो शहीद मरेगा। सूरह यासीन पढ़ने से बंदे की हर परेशानी दूर होती है, हर मुसीबत दूर हो जाती है। इसकी हमें रोजाना तिलावत करनी चाहिए, इंशाल्लाह इसकी तिलावत से हर हाजत पूरी होगी और रिस्क में भी बरकत होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।